सलाम इंडिया, आप देख रहे गाइड न्यूज़। गाइड न्यूज़ में आप सबका स्वागत है, मैं हनीफ शेख। व्हाट्सएप पे बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक मैसेज वायरल हो रहा है कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, मैं इस वक्त चाइना के वुहान शहर में हूँ और वहाँ से यहाँ के लोगों ने जो यहाँ पर जो इलाज है वो कोई इलाज नहीं है, वैक्सीन वगैरह कुछ बनी नहीं है, इसके लिए बहुत काफ़ी टाइम लग रहा है, आप लोग गर्म पानी पीजिए, ऐसी एक रिपोर्ट आई है, ये आप सुनिए। मेरे प्यारे भारतवासी, मैं भारतीय भारत का वासी हूँ और चाइना की वुहान सिटी में एक कपड़े का व्यापारी हूँ। साथियों, मैंने सुना है कि अभी भारत में ये बीमारी चल रही है, लेकिन मैं आपको यहाँ का उदाहरण बताना चाहता हूँ, चाइना में क्या हो रहा है। मित्रों, चाइना ने क्या किया है, इसकी दवाई तो नहीं मिली, चाइना ने सभी दुनिया को ऐसा लगा दिया है कि इसकी वैक्सीन खोजने में लगा दिया है, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। इसकी दवा एक है, चाइना में घर घर में, वुहान सिटी में घर घर में कोरोना के पेशेंट है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, गर्म दूध पी रहे हैं, गर्म पानी की वाफ अंदर ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो कोरोना का वायरस है वो अंदर ही अंदर मर जा रहा है। इसीलिए आपने अगर अभी WHO का रिसेंट डाटा अगर देखा होगा तो उसमें आपने समझा होगा कि चाइना में नए पेशेंट तो आ रहे हैं, लेकिन नई कोई डेथ नहीं हो रही है। आपने इसको सुना और अभी बताते हैं हमको इसको जो है PIB, भारतीय प्रेस एजेंसी, प्रेस एजेंसी ने इसको झूठ करार दिया है, ये है उसका सर्टिफिकेट। और आप किसी भी अफवाहों पे ध्यान मत दें और अपना ख्याल रखें और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को अंदर लॉकडाउन कर ले तो हमें कोई टेंशन नहीं, हमारा घर ही सब में बड़ा हॉस्पिटल है। जय हिंद।